med sjans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. Hey guys, welcome back to my another video. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट, जो कि है क्लास टेंथ का साइंस का टेंथ चैप्टर। तो सबसे पहले लाइट में लाइट क्या होता है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, या फिर हम कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू इंटरेक्ट विद आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें आसपास देखने में हेल्प करता है, या फिर जो हमारे सराउंडिंग है उससे इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन अ सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो लाइट है, लाइट की रे अगर किसी स्मूथ सरफेस पे ऐसे मीन्स इंसिडेंट होगी, जो लाइट आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो अगर ये कोई लाइट की रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी या फिर बाउंस करेगी, मीन्स उसे बाउंस बैक कर जाएगी। ये स्मूथ सरफेस है। तो जो ये फिनोमिना है मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये तो रही आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर जो होता है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, तो पहले इनके बारे में समझ लीजिए। तो जैसे ये एक स्मूथ सरफेस है, अब इस पर एक कोई लाइट रे आई है तो ये होती है इंसिडेंट रे। अब ये स्मूथ सरफेस है तो इससे बाउंस करेगी, तो ये अब इस साइड गई तो ये जो जा रही है बाउंस होके उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस को मीट कर रही है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो यहाँ पे एक जो स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये होती है नॉर्मल। अब एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, उसके हिसाब से जो एंगल ऑफ आई होता है एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के जो मीन्स एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। और जो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो होता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एक प्लेन में लाई करते हैं। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें जो सिल्वर मेटल होता है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करता है। और जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर टाइप के रिफ्लेक्शन में मीन्स अप्लाई होते हैं। अगर जैसे ये प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस, अगर इसमें कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर भी आ रही है तो उसमें भी रिफ्लेक्शन के लॉज लगते हैं, मगर जो इंसिडेंट रे है जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस रिट्रेस कर जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया था अभी कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। तो रेगुलर जो होते हैं उसमें जो इंसिडेंट रे होते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वो पैरेलल होते हैं, मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे, कभी मीट नहीं करेंगे। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो मीन्स डल सरफेस पे होता है, जैसे जो स्मूथ नहीं होता लाइक कोई सा भी सरफेस, तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई सीधा चला जाएगा, या फिर कोई ऐसे चला जाएगा, इसमें कोई पैरेलल नहीं होते। तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के टाइप्स। अगला टॉपिक है इमेज। जब किसी मिरर से जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे मिलती हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं तो वो इमेज बनाती हैं। तो इमेज होती है, इमेज दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रियल और एक होता है वर्चुअल।
तो रियल इमेज वो होती हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जिन्हें मीन्स अगर हम उसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक स्क्रीन पे आ सकती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो किसी स्क्रीन पे नहीं आ सकती, वो स्क्रीन के पीछे बनती हैं। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और जो वर्चुअल होती हैं हमेशा इरेक्ट होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो जो इससे इमेज बनेगी वो ऐसी होगी, और जो वर्चुअल है जैसे ये स्क्रीन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो इरेक्ट बनेगी, मीन सीधी बनेगी, और स्क्रीन जो है उसके पीछे बनेगी, और जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में कि मिरर्स क्या होते हैं और मिरर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।